नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 23 तारीख को भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का हर किसी को इंतजार। T20 विश्व कप में जब भारत पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगे तो हर कोई इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए उत्सुक है। लेकिन इस मुकाबले में जहां गेंदबाजी के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी की चर्चा है, तो वहीं बल्लेबाजी के तौर पर बाबर आजम की चर्चा हमेशा होती है। जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, बाबर आजम की चर्चा होती है, क्योंकि बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की जाती है। लगातार शानदार बल्लेबाजी बाबर आजम पिछले कुछ सालों से कर भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में होगा कि बाबर आजम जब मैदान पर उतरेंगे भारत के खिलाफ, तो किस बल्ले के साथ खेलेंगे, क्योंकि हर खिलाड़ी का अपना एक पसंदीदा बल्ला होता है। हर खिलाड़ी अपने एक पसंदीदा बल्ले से बड़े मैच में मैदान पर उतरता है। हर खिलाड़ी चाहता है कि उसका जिस बल्ले पर मन है, जिस बल्ले में सबसे ज्यादा रन है, उस बल्ले को वो बड़े और ऐतिहासिक मैदान पर लेकर मैच में लेकर उतरे। तो हर किसी का एक अपना अपना पसंदीदा बल्ला होता है। तो बाबर आजम को लेकर भी पत्रकारों ने एक सवाल पूछा बाबर आजम से कि आप भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में किस बल्ले को लेकर मैदान पर उतरने वाले हैं, किस बल्ले के साथ खेलने वाले हैं। तो बाबर आजम ने सवाल का जवाब बड़ा दिलचस्प दिया। बाबर आजम ने कहा कि मैं अपने साथ 6 से 7 बल्ले लेकर चलता हूं। जाहिर तौर पर मेरे कुछ पसंदीदा बल्ले हैं। ज्यादा बल्ले लेकर चलूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि किस बल्ले से खेलूं, लेकिन जो मेरे सबसे फेवरेट हैं और सबसे अच्छे बल्ले हैं, जिन बल्लों से मैंने बेहतर कारनामे किए हैं, करिश्मे किए हैं, उन बल्लों को मैं अपने साथ लेकर चलता हूं और कोशिश करता हूं कि बड़े मुकाबलों में इन बल्लों में से किसी एक बल्ले से मैं खेलूं। यह बाबर आजम का कहना है। तो जाहिर तौर पर आप लोगों को पता है कि हर खिलाड़ी का अपना एक पसंदीदा बल्ला होता है, जिस बल्ले को वो सवार कर रखना चाहता है, संजो कर रखना चाहता है और आगे तक ले जाना चाहता है। तो बाबर आजम ने भी बताया कि वो 6 से 7 बल्ले रखते हैं अपने साथ और उन बल्लों में से ही किसी एक बल्ले से वो भारत के खिलाफ जो मुकाबला होगा उसमें बल्लेबाजी करेंगे। तो जाहिर तौर पर हर किसी की नजर बाबर आजम पर होगी, विराट कोहली पर होगी और गेंदबाजी के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी और इधर मोहम्मद शमी पर होगी, क्योंकि ये 4 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द भारत और पाकिस्तान के मैच की हार और जीत टिकी हुई है। जिस टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज ने बेहतर प्रदर्शन किया, वही टीम आपको इस मुकाबले में जीतती हुई नजर आएगी। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।